चुनावी समय में अब सफाई कर्मी शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। अपनी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। नगरीय निकाय के सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से नगरीय निकाय की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। छतरपुर में सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताली सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को सरकार माने नहीं तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। वहीं सीएमओ ने कहा कि हड़ताली सफाई कर्मियों से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसके लिए वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो आज अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पे हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं नगर पालिका के, ये हमारा प्रदेशव्यापी आंदोलन है जिसमें हमने कई बार शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया है, मांग पत्र दिया है एवं कई बार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जिसपे हमें आश्वासन देकर आंदोलन को ख़त्म करवाया गया। लेकिन अब चूंकि चुनाव पास में है और हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं और अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को मानते हैं तो हम उनका स्वागत करते, नहीं तो चुनाव में निश्चित ही उनका बहिष्कार होगा और 2024 में इसका उनको परिणाम देखने को मिलेगा। हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं और यहाँ हम वो काम करने के लिए आते हैं और तनख्वाही भी 9,000 है, हम चाहते हैं इतने में हमारा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, तो आगे हमारा बढ़ाएं, तनख्वाह भी बढ़ाएं और हम लोगों को नियमित करें। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस यूनियन ने आज हड़ताल का ज्ञापन दिया हुआ था, तो उसी के तारतम्य पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही उनका निराकरण हो तत्काल उनको काम पर वापस बुलाया जाए। अगर हड़ताल लंबी जाती है तो हम अगर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि अन्य कहीं किसी संस्था के माध्यम से कार्य करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।